स्वराज। जी हाँ, प्रशांत किशोर लगातार ऐलान कर चुके हैं और उस ऐलान के बाद से अब सक्रिय भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में बिहार में राजनीति की शुरुआत करने के ऐलान के साथ ही प्रशांत किशोर ने राजधानी पटना में प्रेस वार्ता किया, प्रेस वार्ता कर अपनी रोड मैप को जनता के सामने रखा और कई विरोधियों पर भी हमला बोला। राजधानी पटना के बापू सभागार में राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता कर यह ऐलान किया है कि वह फिलहाल कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बना रहे हैं। पहले वो बिहार में राजनीतिक बदलाव के लिए 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। यह पदयात्रा चंपारण के गांधी आश्रम से शुरू होगा। उन्होंने लालू यादव और नीतीश सरकार के 30 साल के कार्यकाल पर भी सवाल उठाया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को बदलने के लिए नई सोच और जाति वोटरों के कॉन्सेप्ट को छोड़ना होगा। साथ ही बिहारियों को एकजुट करने की पीके ने बात कही है। मैंने जैसा आपको पहले बताया, अगले तीन चार महीनों में ये जो 17-18 हजार लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, इनमें से जो लोग भी जन स्वराज की परिकल्पना से, जो लोग भी बिहार के लिए जो हम सोचते हैं या जो उनकी सोच है, अगर हम लोग उसको अलाइन कर पाए और वो साथ में आकर अगर तय करते हैं कि हम सबको पार्टी बनाने की या किसी तरह की एक संगठन या मंच को बनाने की जरूरत है, उस समय वो कॉल लिया जाएगा। बिहार में सबसे ज्यादा वोट आज नरेंद्र मोदी जी को है। नरेंद्र मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं आप मुझे बता दीजिए। अगर बिहार में हर आदमी जाति पर ही वोट कर रहा है तब तो नरेंद्र मोदी जी को एक वोट भी नहीं मिलना चाहिए। बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, हेल्थ ध्वस्त है, रोजगार का कोई संभावना नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 30 साल के दोनों बड़े नेताओं के प्रयास के बावजूद बिहार आज देश में सबसे निचले स्थान पर है। ये मेरा नहीं आकलन है, ये भारत सरकार की डेटा है। भाई नीतीश कुमार जी के साथ मैंने 2015 में काम किया है महागठबंधन में, ये सबकी जग जाहिर बात है। और नीतीश कुमार जी से व्यक्तिगत तौर पे मेरा कोई झगड़ा नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे जो मेरा नीतीश कुमार से रिलेशन है वो भी उसमें कोई हिचक नहीं है मुझे मानने में कि मेरा उनसे बहुत अच्छा रिलेशन है। लेकिन व्यक्तिगत रिलेशन होना एक बात है और साथ में काम करना या उस पर सहमति होना वो दूसरी बात है। तो प्रशांत किशोर ने कई बड़ी बातें भी कही हैं और नीतीश कुमार के साथ लालू यादव पर भी निशाना साधा है। 30 साल तक बिहार को बर्बाद किया गया, ऐसा कहा है प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता कर कई बड़ी बातें भी कही हैं, वो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो पीके के संबोधन की बड़ी बातें, बिहार को अग्रणी बनाना पहली प्राथमिकता है। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ी बात कही है। तो पीके के संबोधन की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं, बिहार को अग्रणी बनाना पहली प्राथमिकता है। और इसी के साथ पीके ने कहा है कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए नई सोच की जरूरत है। प्रशांत किशोर ने आज प्रेस वार्ता किया और उस दौरान उन्होंने कहा कि 10 से 15 सालों से चल रही नीतियों में बदलाव अब जरूरी है। और इसी को लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार को बदलने के लिए बिहारियों का साथ बेहद जरूरी है, तभी बिहार में बदलाव होगा, बिहार को बदला जा सकता है। राजनीतिक पार्टी नहीं, बिहारी को एकजुट करने की कोशिश, ये कहा है प्रशांत किशोर ने अपने प्रेस वार्ता में। जन स्वराज के लिए 17,500 लोगों से मिलेंगे प्रशांत किशोर, तो बड़ी बातें कही हैं। बीते 3 दिनों में 150 लोगों से मुलाकात कर चुके हैं प्रशांत किशोर। और इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा है कि चुनाव लड़ने की चाहत होती तो 6 महीना पहले लड़ते। तो पीके की बड़ी बातें ये भी हैं कि बिहार में जाति आधार वोट को बदलने की कोशिश करूंगा, जो जाति के नाम पर कई सालों से राजनीति हो रही है उसमें बदलाव की जरूरी है और कोविड-19 के खत्म होने का इंतजार कर रहा था, ये कहा है प्रशांत किशोर ने। कई बड़ी बातें कही हैं।